हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? चलो अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो आवर टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। एक छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमारे घर में खाना बनता है, उसमें पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका टेस्ट कुछ और होता है, लेकिन जब वो बन जाता है, वो जब पक जाता है, तो उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी सब्जी का। इवन यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टी। पहले हम मिल्क लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, देन टी लीव्स ऐड करते हैं, और जब एक कोई नई चीज़ बनकर के आती है तो इट हैज़ गॉट सम डिफरेंट फ्लेवर, इट हैज़ गॉट सम डिफरेंट टेस्ट। सिमिलरली इज द सेम थिंग हैपेंस इन द केमिस्ट्री व्हेन वी टॉक ऑन द केमिकल रिएक्शंस। जो दो कोई केमिकल होंगे आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, तो कोई एक नई चीज को फॉर्म कर रहे होंगे, वो जो नई चीज होगी दैट विल हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज फिजिकल भी केमिकल भी हो सकती है, और अब हम उसी की बात करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं सिंपली बात करूं तो केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिएक्टेंट्स। और कोई रिएक्टेंट्स, लेट्स से कोई ए और बी है मेरे पास में, दोनों मिलकर के कोई नई चीज बना रहे हैं, ए बी या लेट्स से सी, तो इसको साइड को मैं क्या बोल दूंगा? प्रोडक्ट। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो व्हेन टू रिएक्टेंट्स और टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन कोई एक तरह की तो होती नहीं है, ये अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, इट हैज डिफरेंट टाइप्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, पहला टाइप लेता हूं, पहली कैटेगरी दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब देखिए इस वर्ड को कॉम्बिनेशन, कंबाइन, किसी चीज को कंबाइन करके नई चीज का बनाना, नई चीज का बनना, और जब कोई नई चीज बनती है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। किस तरीके से? एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत छोटा सा, बहुत कॉमन सा, आपको बात समझ में आएगी। मैं लेता हूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों से मिलकर के H2O। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस की बात हम इस चैप्टर में बाद में करने वाले हैं। अब देखिए आप मजे की बात, एक इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन एक इनफ्लेमेबल गैस है, हाइड्रोजन इज एन इनफ्लेमेबल गैस, और हम सब जानते हैं जो भी कंबशन प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो ये तो आग लगाने का काम कर रही है, ये आग लगाने में इसकी मदद कर रही है। लेकिन जो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वाटर, एंड वी ऑल नो कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसका क्या काम होगा आगे जाकर के। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये कोई दूसरा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का, तो कोई एक नई चीज बन रही होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, बैलेंस में बोल रहा हूं लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करने वाले। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद में हम चलते हैं जो दूसरी कैटेगरी है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, अब देखिए डीकंपोजिशन किसी चीज का डीकंपोज होना, किसी चीज का टूटना, किसी चीज एक चीज से मिलकर टूट करके कोई नई चीज का बनना। जैसे इसी को ले लेते हैं, H2 हमने लिया था यहां पर H2। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसको डीकंपोज करने की कोशिश करता हूं, तो इट विल ब्रेक डाउन इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, किसमें? डीकंपोजिशंस में। डीकंपोजिशंस में देयर आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन सी, व्हाट आर दोस थ्री कैटेगरीज? फर्स्ट वन इज थर्मोलाइटिक या थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड वन इज फोटोलाइटिक या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब हम लेट अस टेक वन बाय वन एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी। जैसे मैंने बात की आपसे डीकंपोजिशन रिएक्शंस की, तो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, डीकंपोजिशन रिएक्शंस।
डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें मैं बात कर रहा था अभी आपसे, इसमें इट फर्दर डिवाइड्स इनटू थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन, देन सेकंड वन इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, एंड ऑफ कोर्स थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब देखिए डीकंपोजिशन की मैंने बात की थी तो बोला था कि किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज में बदलना, कब? इन प्रेजेंस ऑफ कोई एक्सटर्नल फैक्टर। वो कौन सा हो सकता है? जब थर्मो की बात करते हैं तो थर्मो मीन्स होता है हीट, टेम्परेचर की प्रेजेंस में। फोटो का मतलब है यहां पर लाइट, देन इलेक्ट्रो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अब देखिए यहां पे थर्मोलाइटिक की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर मुझे इसको डीकंपोज कराना होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये जो साइन आप यहां पे देख रहे हैं दैट इज हीट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑन इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली फोटोलाइटिक एग्जांपल लेते हैं अपन, यहां पर एक सिल्वर कंपाउंड, वो सिल्वर क्लोराइड हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड, इसको डीकंपोज करना होगा कब? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, Ag प्लस Cl2। और बात करने वाले हम इनके बारे में डिटेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन देखिए सर, इसके लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी को लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरे पास में एक बीकर है और ये जो बीकर है इसके अंदर क्या है बेटा? वाटर, इट कंटेन्स वाटर H2। इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, एक कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स? कैथोड एंड एनोड। जब हम कैथोड एनोड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो डेफिनेटली इट विल बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, नेगेटिव इज व्हाट? कैथोड, एंड पॉजिटिव इज एनोड। अब देखिए आप, जब एक्चुअल में इसके अंदर वाटर डीकंपोज हो रहा होगा तो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रही होगी? ये वाटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा भी वहां पे डायग्राम में, इसमें हम गैस कलेक्ट करने के लिए यहां पर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रख रहे थे कुछ इस तरीके से। तो ये H2 प्लस O2, अब H2 पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन नेगेटिवली, तो पॉजिटिव वाला कहां पर जाएगा? नेगेटिव के पास में, और नेगेटिव कौन है वहां पर? कैथोड या होता है। और ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास में, तो यहां पर किसके पास जाएगा? वो एनोड के पास में। दैट इज हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले हमने बात की, देन डीकंपोजिशन रिएक्शंस की हमने बात की, डीकंपोजिशन रिएक्शंस में हमने बात की थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन की, हमने बात की फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन की, और हमने बात की है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन की। हमने उनके एक दो एग्जांपल लिए हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।